देखिए चेकअप से पता चला है बिल्कुल मामूली सी चोट लगी है इनके सिर पे, अब ये बिल्कुल ठीक है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे लगता है मेरी भी याददाश्त चली गई। क्या, क्यों, तेरी बीवी की ही याददाश्त जा सकती है, मेरी भी चली गई, मैं भी किसी को नहीं पहचानती। माता जी आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी कोई याददाश्त नहीं गई है। ए तू ज़्यादा डॉक्टर का फलान मत बन, याददाश्त तेरी गई है या मेरी, होगा तू अपने क्लिनिक में डॉक्टर, यहाँ जो मैं बोलूँगी वही सच है। ठीक है आप लोग अपना फैमिली ड्रामा चालू रखिए याददाश्त के लिए, मैं चलता हूँ। पता नहीं ये सास बहू कौन सा गेम खेल रही हैं। जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना दो। आपको पता नहीं मेरी याददाश्त चली गई, मैं कैसे बनाऊंगी चाय। अच्छा तो लाओ अपना फोन दो। क्यों, किस लिए? अरे तुम्हारी तो याददाश्त चली गई ना, तो तुम्हें आईडी पासवर्ड कुछ याद तो होगा नहीं, इसलिए कह रहा हूँ लाओ मुझे फोन दो, मैं इंस्टा वगैरह सब डिलीट कर देता हूँ। नहीं नहीं मुझे सब कुछ याद है, अपना आईडी पासवर्ड, अभी तो मुझे न्यू ट्रेंडिंग वीडियो बनानी है। मेरा मतलब है मेरी याददाश्त तो गई है पर पूरी तरीके से नहीं गई है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद हैं जैसे आईडी पासवर्ड तिजोरी की चाबी गहने ये सब कुछ याद है, बाकी खाना बनाना घर के काम करना ये सब कुछ भूल गई हूँ। ये कैसी याददाश्त गई है? देखो ये मेरी याददाश्त है, जैसे भी जाए आपको क्या काम छोड़ देंगे। हेलो गाइस वेलकम टू फ्रूटी की दुनिया। तो गाइस आज मैं आपको मैगी बनाना सिखाऊंगी, तो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए मैगी, उसके बाद हम करेंगे गर्म पानी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा पानी बॉयल हो रहा है, तब तक मैं आपको। अरे वाह तू और किचन में क्या खराब किया जा रहा है, मेरा मतलब क्या बना रही है? दादी मैं मैगी का ब्लॉग बना रही हूँ, अपने फ्रेंड्स को मैगी बनाना सिखा रही हूँ। नहीं बेटा गलत बात, ऐसे सबको खराब खाना बनाना नहीं सिखाते। क्या मतलब मुझे कुछ नहीं आता, देखना दादी एक दिन में बहुत अच्छी मैगी बनाऊंगी। पर वो दिन आज नहीं है। दादी प्लीज आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए ना कि मेरा मजाक उड़ाना चाहिए। ठीक है तो एक काम कर, उबलते हुए पानी में थोड़े मसाले डाल ताकि मैगी चटपटी बने। ओके दादी ये खुलता कैसे? अच्छा इसका पासवर्ड होगा, क्या है? ए पागल ये मोबाइल फोन थोड़ा ही है जो पासवर्ड होगा। हाँ? तो फिर ओटीपी आया होगा, अपना फोन चेक कीजिए। ए भगवान कहाँ फंस गई मैं, हम उसको खोलते हैं समझी, घुमा के खोल। एक काम कर रहने दे तू मैगी डाल। ओके अरे ओ पागलों की सरदार पैकेट खोल के मैगी डालते हैं। पैकेट खोलूंगी तो गीली हो जाएगी ना, और मुझे सूखी मैगी पसंद है। दरअसल गलती मेरी है, मुझे खुद कुछ नहीं आता, तुझे बताने चली थी, तू तो बढ़िया कर रही है एक नंबर, देखना तू एक दिन मास्टर शेफ बनेगी है। बढ़िया कर रही है, मैगी ऐसे ही बनती है, तू भी बना और अपने गायसों को भी सिखा। तो देखा गाइस आपने मेरी दादी को भी मेरे पे कितना भरोसा है, और बताओ कमेंट करके मेरी मैगी कैसी बनी है, और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देवा रे देवा इस घर में कितना काम है रे, अच्छा खासा इंसान पागल हो जाए, इसीलिए भाभी की याददाश्त चली गई। मम्मी मम्मी आईला कौन है रे तू, ऐसे अंदर काई को आ रही है? मम्मी कहाँ है? कौन मम्मी, इधर कोई मम्मी नहीं रहती है, इधर एक ही मम्मी रहती थी, आजकल उसका भी दिमाग खिसकेला है, वो अपने बच्चों को नहीं पहचानती, तेरे को कहाँ पहचानेगी? क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? मम्मी मम्मी अरे वाह मेरी बेटी आ गई, तू जा मेरा बच्चा आ जा। मम्मी ये कौन है, मुझे अंदर नहीं आने दे रही। ए तेरा दिमाग खराब है, ये मेरी बेटी है पूजा, पूरे 4 साल बाद आई है अपने माँ के पास। आईला सारी दीदी सारी उका है ना, अपन से आपको जानती नहीं ना, कभी देखा ही नहीं। कोई बात नहीं तुझे पता भी कैसे होगा, हमने कभी इसका नाम नहीं लिया, कभी कोई जिक्र नहीं किया, 4 गली छोड़ के रहती है पर 4 साल में पहली बार आई है। दरअसल इसका एक बार कलमुही से झगड़ा हो गया था, तो इसने कसम खाई थी इस घर की दहलीज पे पैर नहीं रखूंगी, पर आज तो पूरा अंदर ही चागी।
मम्मी ये पूरी पागल है, पता नहीं कैसी नौकरानी रख रखी है आपने। ए छोड़ ना, इसकी बातों को सीरियस मत लिया कर, कुछ भी बोलती है हम भी नहीं लेते हैं, ऊपर आ। और तुम जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बनाओ, सर दर्द हो गया मेरा। देवा रे देवा, ये माँ कम थी क्या जो अब बेटी भी आ गई? अब ये दोनों माँ बेटी मिलके बेचारी मेरी भाभी को परेशान करेगी। बहुत अच्छा किया जो तू आ गई अपने माँ के पास। मैं क्या बताऊँ, जब से इस गजनी की याददाश्त चली गई है ना, घर का सारा काम काज मुझे ही करना पड़ रहा है। ऐसी हालत हो गई है, धोबी की कुतिया घर की ना घाट की। मम्मी वो कुतिया नहीं, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अरे तू जेंडर में क्यों घुस रही है, फीलिंग समझ अपनी माँ की। तू समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, इतना काफी है। नमस्ते दादी। अरे नेहा बेटा। दादी आप कैसी तबीयत है आंटी की? बेटा कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। आप तो एक तो वो खूंखार जंगली बिल्ली हो गई है, जब देखो हर किसी को पंजा मारती रहती है। देखना दादी एक दिन आंटी पूरी ठीक हो जाएगी और उनको सब कुछ याद आ जाएगा। अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, शाम को आके आपसे मिलती हूँ। बाय बेटा। बड़ी प्यारी बच्ची है, अपने काम से काम रखती है, जब से आई है हमेशा इज्जत और सम्मान से बात करती है। पता है मुझे कितनी प्यारी बच्ची है, पूरा बायोडाटा है इसका मेरे पास। इससे पहले ये मेरे पीछे वाली गली में रहती है, मैं इसके एक एक कांड से बाकी हूँ। आजकल तो तुम्हारे नाती अज्जू के साथ इसका लफड़ा चल रहा है। क्या बात कर रही है? अब ये मत कहना हमें बेटा पता ही नहीं है। अरे पूरे शहर को पता है तुम्हारे नाती अज्जू और इस लड़की के बारे में। और फिर मम्मी इटावा है ही कितना बड़ा, इस गली से घुसो उस गली से निकल आते हैं लोग, मैंने खुद देखा 2-3 बार अपनी आंखों से। ये सब मुझे क्यों नहीं पता? मम्मी थोड़ा कंट्रोल कीजिए अपने नाती अज्जू पे, बहुत बार निकल आए उसके, कहीं ऐसा ना हो ये किराएदार मकान मालिक बन जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, देखना अज्जू की शादी तो मैं किसी सुंदर सी पतली सी इंजीनियर लड़की से कराऊंगी। हाँ मैंने भी सोच रखा है, मैं तो उसकी शादी में सोने की चैन लूंगी। ये देखो तालाब बनाने मैडक पहले आ गए। क्या? कुछ नहीं, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। कोई है घर पे? कौन है? अरे इंस्पेक्टर साहब। जी हमें आपके यहाँ से फोन आया है। कौन है? मम्मी पुलिस। अरे कहीं मेरे लिए तो नहीं बुला ली इसने? कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हमारे यहाँ से आपको कोई फोन क्यों करेगा? आपको ना जरूर कोई गलत फहमी हुई है, बगल में भी गोयल जी रहते हैं, शायद उन्होंने कंप्लेन लिखवाई होगी। कंप्लेन मैंने लिखाई है, कहीं मेरा नाम भी ना ले दे। एक काम करती हूँ, जब तक पुलिस घर में है छुप जाती हूँ। देखिए इनका कहना है इनको आप लोगों ने किडनैप करके रखा है और इसमें आपकी पूरी फैमिली का हाथ है। क्या इंस्पेक्टर साहब आप भी इसकी बातों में आ गए? अरे ये तो गजनी, मेरा मतलब ये मेरी बहू है, ये अपनी याददाश्त खो चुकी है, कुछ भी बोलती है। माता जी आप घर के बाकी सदस्यों को बुलाइए, वरना मुझे मजबूरन घर में घुस के छानबीन करनी होगी। क्या हुआ माँ? अरे इंस्पेक्टर साहब आप? इंस्पेक्टर साहब यही है वो मोटे पेट वाले अंकल जो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, प्लीज इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। ओ तो आप हैं वो महान व्यक्ति जिसने इस क्राइम को अंजाम दिया है, चलिए मेरे साथ। अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। चलिए वरना मुझे हाथ पकड़ के ले जाना भी आता है। अरे माँ कोई अरे अरे कोई तो रोको, मेरे बेटे को लेके जा रहे हैं।